अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं 109 कनाल पर मुश्तमिल कोहाट के एक कदीम कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोहाट में, जिसकी शुरुआत 1953 में शहर कोहाट के एक किराए के मकान पर हुई। शुरुआत में एफए के 23 तलबा और 6 लेक्चरार इस कॉलेज का हिस्सा थे, लेकिन 1955 में इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद एफएससी समेत दीगर हायर एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ। 1988 में इस कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट का रुतबा हासिल हुआ। मौजूदा वक्त में एफएससी समेत बीएस के 12 डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और इस वक्त मैं कॉलेज के मेन गेट के एंट्रेंस पर मौजूद हूं, जो ख़ास तौर पर बॉयज़ के लिए मखसूस किया गया है। चले अभी मैं आपको कॉलेज के अंदर का विज़िट कराता हूं। मेरा एक्सपीरियंस उर्दू की। अच्छा, इस कॉलेज में मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अच्छा कॉलेज है स्टडी के लिहाज से और माहौल भी अच्छा हमें प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये है कि कभी कभार मुझे इस तरह लगता है कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, स्कूल के स्टूडेंट है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस कॉलेज में इस तरह की हमें गाइडलाइन दी जाए, जैसे कस्ट के स्टूडेंट के साथ हम मुकाबला, मतलब अगर हम कस्ट के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इधर लाए ना कॉलेज में, तो आपको साफ पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी लेवल के हमारे स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि ये डरते हैं बात करने से। अगर हमें इस तरह माहौल चाहिए कॉलेज में कि स्टूडेंट बोर्ड हो जाए, प्लेटफॉर्म उनको नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, बहुत टैलेंट भी हमारे साथ है, टैलेंट को प्रमोट किया जाए इस कॉलेज में, स्टडी भी होनी चाहिए, स्टडी के साथ एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सब एक्टिविटीज़ होंगे और हम अपने कॉलेज स्टूडेंट को देखेंगे कामयाब होता हुआ। और मेरी दुआ है कि हमारे जितनी भी कॉलेज की या फिर कोहाट के सारे लेवल पे सब कामयाब हो जाए, दुआ है सबके लिए। यार मैं बाई चांस आया हूँ, कोई वो मेरे लिए नहीं था, बस बाई चांस। हाँ,
आपका फजल रहीम साहब के बारे में क्या ख्याल है? बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ज़बरदस्त। कोई अच्छी खूबी उनकी बता दें। बहुत मतलब जब बात करते तो बहुत नरम लहजे में करते हैं। आपका मतलब ये है कि टीचर स्टूडेंट के साथ बहुत कोऑपरेशन करते हैं। ये कॉलेज बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है, लेकिन इसमें एक मसला है जो मैं चाहता हूँ कि ये हार हो जाए। यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है हमारे साथ, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं और बहुत सारे इस तरह के आर्ट में भी मतलब लोग हैं जो मतलब अच्छे टैलेंटेड लोग, तो उनको प्रमोट किया जाए, उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर, और वो बेचारे रह जाते हैं फिर इस दौर में जिसमें मतलब कंपटीशन है। स्टडी भी होनी चाहिए, लेकिन स्टडी के साथ इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, फेस्टिवल्स होने चाहिए और इंटरटेनमेंट ये होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ इस चैनल पर आने की। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन और इसके यहाँ पर आने के बाद इंसान में कैसी तब्दीली आ जाती है, कौन कौन से इस कॉलेज में बंदा आकर कौन कौन से चीज़ें सीख लेता है जिसके बाद ये बंदा क्वालिफाइड हो के यहाँ से एक सॉरी कट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इस कॉलेज में आने के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें सीख जाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जनाब आपको बताता चलूँ कि मैं ख़ुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और जिसमें हम पढ़ते हैं स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में कि हाउ स्टेट गवर्न, यानी किस तरीके से हम एक स्टेट को रन कर सकते हैं। तो जनाब ऐसा है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आने के बाद आप सब लोग स्टेट के बारे में सीख पाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में सीख पाएंगे और यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो ह्यूमैनिटी पढ़ाई जाती है कि ह्यूमन कैसा है और वो जिस माशरे में वो रहता है उस माशरे में कौन कौन सी तब्दीलियाँ वो अपने साथ ले आता है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस कॉलेज में हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़हनी नशोनुमा कर सकते हैं और कामयाबी की राह पर गामजन हो सकते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इस कॉलेज में आइएगा, इस कॉलेज में दाखिला ले लीजिएगा और अपने आप पर और इस कॉलेज पर आप लोग काम करें ताकि आप लोग ख़ुद भी कुछ सीख पाए, अपने आने वाले नस्लों के लिए भी कुछ दे सकें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम खिज़र हयात है और मैं DPGC का स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जिस बारे में आज मुझे बात करने का हक है वो हमारे इस कॉलेज की, जो कि मैं सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का कहा गया कि आप इस कॉलेज के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहूँगा कि पूरे कोहाट में या पूरे KPK में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉलेज का अपना एक नाम है और वो अपने इस नाम पे भरपूर उतरते भी हैं। जैसे मैं अगर ख़ुद के अपने बारे में कहूँ तो मैं जब यहाँ पहली बार आया था, क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट था, FSC से फर्स्ट फारिग भी हुआ था, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। जो कुछ भी मैं आज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो कुछ किया है या इस कॉलेज में जो हम करते आए हैं, हमारे हर एक्टिविटी में हमारे इस कॉलेज का या हमारे प्रोफेसर का या इस कॉलेज का जो माहौल है उसका भरपूर हिस्सा है। जो कुछ भी हमने किया है, मतलब हमारे जो इस कॉलेज की जो फंक्शन वगैरह हुई हैं, बहुत सारी इसमें फेस्टिवल हुई हैं, बहुत सारी पार्टियां वगैरह सब कुछ हुआ है, जो बहुत सारी ऐसी एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, तो उन सब में इस कॉलेज ने एक भरपूर हिस्सा अदा किया है और हमारे टीचर्स पॉलिटिकल साइंस के बल्कि पूरी कॉलेज के एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं कल को ये कह पाऊँगा कि मैं भी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोहाट का हिस्सा था और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कॉलेज है। उर्दू की पश्तो की उर्दू शुरू का। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहाब हमदर्द गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 7th semester का तालिब इलम हूँ। आज मैं कुछ अहम चीज़ें आपको अपनी इस कॉलेज के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले इस कॉलेज में तकरीबन 12 तक की डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ शोबा जात हैं। इसके अलावा उनकी जो असातिज़ा किराम हैं वो बहुत ही आला तालीम याफ्ता और बहुत ही काबिल हैं, अपनी स्टूडेंट्स के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। और इसके अलावा जो स्टडी माहौल है यहाँ, आप इससे भी जाहिर हैं कि कोहाट डिवीज़न और इसके साथ जो दूसरी डिवीज़न हैं वहाँ से स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और यहाँ से फिर
एजुकेशन हासिल करने के बाद फारिग हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पर वो फायज हो जाते हैं। और इसका मिसाल हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, जितनी भी यहाँ से हमारे सीनियर्स फारिग हो गए हैं वो अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आला दर्ज पर फायज हैं। इसके अलावा जो इस कॉलेज का जो माहौल है स्टडी के लिहाज से और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है, सैनिटेशन सिस्टम वगैरह हैं, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसके इसमें 3 हॉस्टल्स हैं जहां पर दूर इलाकों से आए हुए स्टूडेंट्स वहां पर क़याम करते हैं।